एक तो आप राजनीति में नहीं है और दूसरा इस कौम का इल्म पर कोई फोकस नहीं है। दोनों ही बातें आपको कौम में बताई गई हैं। इल्म के लिए कुछ भी करो, आज इल्म की बात ही नहीं आप करते हैं। मुसलमानों में इतनी अनपढ़ लोगों की संख्या इतनी है, बच्चों को पढ़ाने पर आपका ध्यान ही नहीं है, और दूसरा राजनीति में आप भागीदार नहीं है। तो ना राजनीति में शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी है, ना पढ़े लिखे लोगों में आपकी भागीदारी है। तो आप और पूंजी पैसा आपके पास है नहीं, तो आपकी भागीदारी किस चीज में है? खाली मजदूरी करने में है। इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चों को राजनीति से जोड़िए, तभी धीरे धीरे समाज में आपकी स्थिति सुधरेगी, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है, कोई आ जाए नहीं सुधरेगा। इल्म पर और राजनीति पर दोनों में आपका फोकस होना चाहिए। इन चीजों पर ध्यान दीजिए और समाज में खाली बात करने से नहीं होगा, कुछ लोगों को समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिन लोगों ने संघ बनाया वो तो महाराष्ट्र में 10-15 लोग थे, लेकिन उन्होंने 50 वर्ष में उसको खड़ा किया ना। मुसलमान सोचता है कि कोई 1-2 लाख आदमी आ जाए, जीत का पहले फॉर्मूला बता दे, गारंटी दे दे, तब हम उस पर जाएंगे। अरे भाई, आप एक कदम चलना शुरू कीजिएगा तब तो रास्ता आगे निकलेगा। आप चलना तो शुरू कीजिए, आप चल ही नहीं रहे। मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, देवबंद की आपकी जो संस्था है, मैं मेरे से 5 वर्ष से बात कर रहे हैं, हम उनको इतने दिन से सिखा रहे हैं। कांग्रेस से भी उनकी पुरानी संस्था है कि भाई आप कुछ मत करो, कम से कम 1000 बच्चों को राजनीति का प्रशिक्षण। हमें बुलाया उन्होंने कि प्रधान जी, आप प्रशिक्षण अगर हमारे बच्चों को दिलवाइए, लेकिन चचा भतीजा की लड़ाई में वो प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ। जो आपकी बड़ी संस्थाएं हैं उन पर, जिनको आप जकात देते हैं, पैसा देते हैं, उन पर दबाव दीजिए कि भाई आप कुछ करो कौम के लिए। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आपके बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, तो कौम कैसे सुरक्षित रह सकती है? नहीं रह सकती है, चाहे आप जितना भी जकात निकाल दीजिए, आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। मुसलमानों को इसकी चिंता होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चों को राजनीति में लाइए, उनको दुबई भेजिएगा, उनसे मजदूरी कराइएगा, उससे बात नहीं बनेगी। हर आदमी पढ़ लिख के होशियार हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन कौम में इसकी चिंता तो होनी चाहिए। जामिया किसी ने बनाया है, अलीगढ़ किसी ने बनाया है आपके कौम ने, तब तो हजारों लोग पढ़कर निकले हैं। पूरे बिहार में एक भी पढ़ने की उच्च संस्था कोई बनाया नहीं। ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी 75 वर्ष में बना दिया होता, क्यों नहीं बना? एक अगर अलीगढ़ बना है तब तो हजारों बच्चे पढ़कर निकले हैं। आप मुझे बताइए, बिहार में 3 करोड़ मुसलमान है, एक पढ़ने की जगह कोई नहीं बनाई। आप अपने सब मुसलमान यही कहता है आरजेडी को, भाई कुछ करो नहीं करो, एक पढ़ने का व्यवस्था तो कराओ, एक विश्वविद्यालय तो बनवाओ यहाँ। 30 वर्ष से आप अपने कंधे पर बैठा कर आरजेडी को इतना बड़ा दल बनाए हुए है, उससे एक वो कॉलेज नहीं मांगे आज तक। एक अपने बच्चों के पढ़ने के लिए संस्था तो मांगो भाई। आप उसको 2.5 लाख करोड़ रुपया का राज्य अपने वोट से जिता कर दे देते हैं और उससे अपने बच्चों के लिए एक स्कूल नहीं मांग रहे, इसलिए आपकी दुर्दशा है।